गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों एक कहानी यह भी एक चैप्टर जो आधुनिक कथा साहित्य की जानी मानी लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है उसका सारांश मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ये एक कहानी ऐसी है जिसमें लेखिका ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी है, सिलसिलेवार लिखी गई एक आत्मकथा का हिस्सा ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से भी रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव के क्षण क्षण के आने वाले परिवर्तनों को भी बताया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप बिल्कुल प्रशंसनीय है। आइए अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गाँव भानपुरा जिला मंदसौर के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के दो मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद कर किया है। अजमेर के इस दो मंजिले मकान में ऊपरी तल पर इनके पिता अवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में रहते थे और जो उनके शिष्य थे उनको वो डिक्टेशन देते थे। नीचे के कमरे में उनकी माँ भाई बहन आदि सब रहते थे। लेखिका को ऐसा मालूम प्रतीत होता है उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका का रंग काला है, वह बचपन में दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता का जो रंग पसंद था उनको वो गोरा रंग पसंद था। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल जो बड़ी बहन थी वो बहुत गोरी थी, स्वस्थ और हंसमुख थी। उसका नाम सुशीला था। वह हर बात में उसकी तुलना उससे की जाती थी। इससे लेखिका के भीतर होने वाली जो हीन भावना है वो ग्रंथि कर गई। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी जब उनके लेखिकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका को अब भी संकोच होता है और वह सिमट कर रह जाती हैं। ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो जमीन में गड़ जाएंगी। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे जहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया था बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया भी था और जिससे कई दिनों बाद ऊँचे ऊँचे पदों पर भी वो उनके शिष्य पहुँच गए। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी थी। सिर्फ लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा कर रहे थे। इस कार्य में उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो प्राप्त हुई ही किंतु अर्थ नहीं मिला, अर्थ यानी कि पैसा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और उनकी सकारात्मक सोच जो है वो नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। लेखिका का कहना था कि उनकी माँ का जो स्वभाव है वो थोड़ा अलग था। स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था उनके। वह एक अनपढ़ महिला थी, अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी उनमें धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशीलता थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती यानी कि अत्याचार को अपना भाग्य समझ लिया था। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों के लगाव तो माँ के साथ हो ही गया किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि लेखिका को इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं था क्योंकि ये थोड़ी सी क्रांतिकारी विचारों की थी। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले किंतु भाई घर में कम रहा करते थे इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था, आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया, लेकिन उस समय में पड़ोस में
आसपास के घरों में जो है वो बच्चे खेला करते थे। और यह उन्होंने अपने कई पात्रों के रूप में अपनी जो रचनाएं हैं उसमें उन्होंने बताया भी है। 40 के दशक में लड़कियों के विवाह की आयु और योग्यता जो है वो 16 वर्ष या फिर मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण करने तक होती थी। 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई और शादी करके कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए। इसके बाद पिताजी का सारा ध्यान जो है लेखिका मन्नू भंडारी की तरफ ही रहा। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ सुवर्ण गृहिणी यानी कि घर चलाने वाले में कुशलता हासिल करनी चाहिए, कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे सिखाए जाते हैं, उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने, यानी कि उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहा है, जहाँ पर रसोई में काम काम हो जाता है और डिग्रियाँ फूकी जाती हैं, है ना। तो क्योंकि उन्हें उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकने जैसा था। पिताजी के पास कई पार्टियां संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों बहस हुआ करती थी। लेकिन जब चाय पानी का नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बिठा लेते थे कि वह भी यहाँ बैठकर सुने बातों को और समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है। सन 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष की कॉलेज बना था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदलना, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत में कई प्रसिद्ध साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण आदि, इन सबको उन्होंने पढ़ डाला। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्य दायरा बढ़ाया बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का भी जो सिलसिला शुरू किया उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। लेखिका के पिता यह सोचते थे और या वह चाहते भी थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, उन्हें जाने समझे, किंतु यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे, यानी कि उनका बाहर निकलकर इस तरह का व्यवहार उनको पसंद नहीं था। जब भी उन्हें यह पता चलता वह क्रोध में आग बबूला हो उठते। कई बार ऐसा हुआ कि जो दकियानुसी व्यक्ति पिताजी को भड़का देना चाहते थे कि उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है, यह सुनकर वह गुस्सा भी आ जाता था उनको। किंतु जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं तो उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। एक बार लेखिका ने घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें उनकी शिकायत थी कि पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिता क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वे कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर देती हैं। वर्ष 1947 में लेखिका ने मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन से अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिससे उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में असहयोग करने का आरोप भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कई कारण थे। जुलाई माह में थर्ड ईयर की कॉलेज क्लासेस बंद करके लेखिका और एक दो अन्य छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस पुनः शुरू करनी पड़ी। उस समय इस खुशी से भी बढ़कर और खुशी लेखिका के लिए नहीं थी और इन्होंने देश को स्वाधीनता मिल जाने की खुशी में भी अपना बहुत सहयोग किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में समझाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।